कि जो यू नो आप इस तीन लेटर्स से इस तीन लेटर्स है ठीक है सो इन अदर वर्ड्स यू आर सॉल्विंग अ लिमिट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू आर आस्किंग व्हाट इज लिमिट x गोस टू 3 70x अब ये कंप्यूट करते हैं अब ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है ये x को आप रख लें फ्यूल ठीक है और इसको कह रहे हैं अगर देखिए अगर आपकी फ्यूल जो है वो 3 के नेबरहुड में है 3 लीटर के करीब करीब है तो आपका आपका जो आउटपुट है वो किसके करीब होना चाहिए 210 के यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 210 के करीब करीब होना चाहिए So when you are computing, for example, this limit x goes to a f of x, आप ये सवाल पूछ रहे हैं basically essentially कि अगर मेरे inputs जो हैं, ठीक है, वो एक खास value को के करीब हैं, के करीब exist करते हैं, उसके उसके neighborhood में exist करते हैं, ठीक है, खास value के करीब हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो function है, ठीक है, जो कि you know x के output को represent कर रहा है, ठीक है, ये किस value के करीब ये किस वैल्यू के करीब तो अगर मेरी अगर अगर मेरी फ्यूल जो है जो मैं गाड़ी में डलवाता हूँ वो 5 लीटर के करीब है तो मुझे बताइए कि जो डिस्टेंस कवर होगा वो किस वैल्यू के करीब होगा जब मैं लिमिट कंप्यूट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस है वो किस वैल्यू के करीब You know, you say that when x goes to a, f of x goes to what? That's what you have to do before. Okay. अगर input से खास value को approach कर लें, उसके करीब हैं, तो output किस value के करीब होगी? ये बुनियादी इसकी. यानी अगर हम inputs को control कर रहे हैं, तो क्या हम outputs को control कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो can I have an estimate for it? Simple, you can have different interpretations for it. एक छोटी सी चीज जो आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा चले ये फिर मैं इसको ऐसा समझ लें इसके बारे में सोचे हैं जो मैं छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ देखो बच हमें पता है कि जब मुझे कंप्यूट करनी हो लिमिट फॉर एग्जांपल x रेस टू 3 और x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 9 यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा अगर x 3 के करीब जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये जो फंक्शन है किस वैल्यू के करीब और ये हम क्या करते हैं यू डोंट पुट इट डायरेक्टली यू डू सिंपलीफिकेशन दिस एंड दैट एंड देन यू गेट व्हाट एक्स गोस टू 3 एटी का बेस 3 हो हां 3 3 हो जाएगा बस के ठीक है क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 बस एंड देन अचानक से आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 प्लस 6 जब आप ये कह रहे हैं कि x जो है वो 3 के करीब है तो x equal to 3 क्यों कर दिया जैसे मैंने पहले कहा मैंने वर्डिंग चेंज कर दी कि कोई फंक्शन नहीं अगर कोई डिस्कंटीन्यूअस हो जाता है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन का आप लिमिट यूज करते हैं जी स्टैंड्स फॉर मैंने लगता है ये कि टाइम्स फॉर इक्वल्स टू फॉर इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है इसके बारे में सोचिए कल जो है इसी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बाकी एक बात ये दोबारा स्टार्ट ठीक है आराम से एक चीज़
दिखा लें आपको कॉम्प्लीमेंट ये इसका जवाब जरा सोचिए वाई अचानक से क्या हो जाता है कि एक्स थ्री के करीब करीब करते हैं हम एक्स थ्री के ऊपर पहुंचा देते हैं हम तो कहते हैं लिखते वैसे हैं लेकिन ऐसे ए नहीं है करीब करीब छः के तो बराबर छः के नहीं है करीब करीब छः के जैसे आप कह रहे थे ये इसलिए भी कह सकते हैं सर कि अगर हम डायरेक्टली थ्री पुट करेंगे तो ये ट्वेल्व हो जाएगा तो थोड़ा सा भी उसमें से कम करके या थोड़ा सा बढ़ा कर तीन थ्री से पुट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली सिक्स के बराबर आता है आप ये कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 अगर जवाब आता है तो भी मत बताना क्या लिमिट एक्स दो सौ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स माइनस थ्री है इस लिमिट को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये डायरेक्टली थ्री इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करते ठीक है बल्कि हम ये कहते हैं कि ये अच्छा से सिंप्लीफाई करो और फिर एक शक्ल में ले आते हैं और फिर अचानक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं ऐसा क्यों करते हैं पहले तो इसको अगर हम इफ ऑफ एक्स ट्रीट करें इफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स माइनस थ्री तो एक ऐसी वैल्यू है जिस पे वो डिफाइंड नहीं होता तो उसके करीब करीब हम बेस करते हैं ना इसको एक हम राइट एक्स टाइम्स टू 3 है एक तो 0 और 0 फॉर्म आता है ये एक्स टाइम्स टू 2 कल समझेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या होता है स्केल हॉस्पिटल रूम क्या होता है सर ने बता जहां देखे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जितने वाला काल कंड थी वजह इसमें मतलब आता हम प्रिसाइसली चीज़ों को नहीं देते ठीक है डेफिनेशन वो होती है चीज़ों का मैथमेटिकली कि जो ना अनएम्बिगस हो उसकी एक ही एक्सप्लेनेशन होती है दैट्स इट इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होती यू कांट हैव नो एक तरह से एक एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है दूसरा दूसरा तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इट शुड बी ऑब्वियस There is a very obvious reasoning for it. और तुमसे डिस्कस किए मैंने क्लास में फिर भूल गए सर ये x स्क्वायर माइनस नाइन ओवर x माइनस थ्री है ये फंक्शन x प्लस थ्री ही एक हिसाब से और उस फंक्शन की वैल्यू लिमिट थ्री पर सिक्स है इसलिए हम उस फंक्शन की लिमिट थ्री सिक्स लेते हैं अभी मेरे सवाल ही समझ नहीं आया जिसके बाद में कोई जवाब ना रहे रात नहीं बता रहे खुर्शी साहब जनाब सही है गलत है पर बुधायना में माना कोई होना है ऐसा ना लगे जी सर इनमें लिख के लाते x approaches to 3 माने ने मतलब x अलग का तो शुरू किया पर वन ये तो 3 ना 3 जब जो हां वन ये ये का याद रखो व्हेन यू आर सेइंग दैट x approaches to 3 इसका मतलब ये नहीं है कोई x से बहुत ज्यादा दूर है ये 3 के अड़ोस पड़ोस में है बिल्कुल ठीक सर तो आप 3 के अड़ोस पड़ोस में पहुंच चुके हैं आप बिल्कुल पड़ोस में या तो 3 से कम है या 3 से ज्यादा है बट है उसके पड़ोस में तो अब ये भूल जाएंगे आप पाँच में हैं माइनस पाँच में हैं या दस नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप दस पे नहीं है दस से चलते हुए नहीं है आप ये कह रहे हैं कि आप थ्री के अड़ोस पड़ोस सर अगर अगर सपोज असाइन में मिसाल अगर वन पुट था क्यों देन मथे दो जी माइनस जो अठे हेट दो जी माइनस ब माइनस माइनस कैंसिल दियो बाकी बचे तो जवाब चार ठीक है माना एक लीटर तेल विदो दे तो उन्हें जवाब चार आए हाँ यार अच्छा था क्यों बल लीटर तेल दावे जो जी एम बल लीटर तेल विदो से तो मथे जवाब है चार बाकी बचो माइनस जो पंच हेट बचो माइनस जो एक अन ये भाई कैंसिल दी जवाब मिलो पंच माना जरे ब इनपुट दिनो से तो इन्हें पंच इनपुट दिनो अन ब खा जी नहीं ऐसा आते ही ना दे ये नियरली जो आ सके आउटपुट देन और बस सिक्स सिक्स जो जवाब देना ब खा जी मथे ना से पंच ब खा मथे साढ़े पंच किसी के तो भी है या सत्तन दे भी है
छह जो किए थे वेला देयर द वेरी प्रिसाइज जस्टिफिकेशन ठीक है देयर द वेरी प्रिसाइज जस्टिफिकेशन नो इफ्स एंड बट्स हां लिमिट प्रॉपर्टीज अप्लाई करें डेफिनेशन सर मुझे एक दो क्वेश्चन दिया है वो शायद इन से रिलेटेड हो जाए मुझे ये समझ में नहीं आता ये जो के एल्बरिनी वाला आया है ये जेके पे इन अर्थ जो रेडियस भी मालूम के डिस्टेंस भी मालूम के होता का चंद्र जो ये सब चीज माना उन्होंने कंपास कंपास का दो की मालूम ये एक डॉक्यूमेंट है ना फिजिक्स का समय यूनिवर्सिटी पांच जो है यूके अच्छा तो सलाह लो कितना जो आया जिमल खलीली का था जिमल खलीली तो जिमल खलीली बुझो अदर जिमल खलीली आहे सारे सारे यूनिवर्सिटी को फैसला दिला के देना नहीं बीबीसी तक ही पूरी डॉक्यूमेंट भाई था हाउस ऑफ विजडम जस्ट उन्हें उन्हें मैं एक्सप्लेनेशन एक दी जाए दे तो मैं तो ना किया वाला ना खबर पे तो आवार थी और एडियस है तो समझ रहे किनारे बी करे ग्लोबल उन तो सुन रहा एंगल कैलकुलेट कर दो एक और एक्सप्लेनेशन पूरी वो दे रहा है कैसे जा रहा वही राइट एंगल ट्रायंगल बना के अच्छा सर को बना यो सम असा में मने तो यो सही है जे को न चाहे तो ना सही है मतलब असा मने छड़ियो जे को न चाहे इतरो आए तो बस सही है ये सही है असा पण मेयर देखे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने उस दौर में बताया जब टेक्नोलॉजी नहीं आज तो यू नो फोटो स्केल खड़ी करे हम मापे से दूंगा उस दौर में जो है ना बगैर टेक्नोलॉजी के देखे आसमान में देखे इंसान ये बता सितारा इन ने विच में डिस्टेंस किए ना मालूम यो इन ने डिस्टेंस इन ने विच में ये मालूम करना है ना जो जे का रोशनी होता मचे थी भाई ठीक है उन रोशनी जो स्पेक्ट्रम स्टडी कर ठीक है तो रोशनी जो स्पेक्ट्रम बुदाए दो आता ये जगह रोशनी आ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा ठीक है अनुमान लगा तो जेके सितारा नजर अचन था नी असा के ये आ इंसान ये वो रोशनी है जेका असा नहीं पहुंचे थी ये वो रोशनी है जेका असा नहीं पहुंचे थी वो माना एको ता पास्ट था दिसो सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन स्काई इज अ पास्ट एक्चुअली इट्स नॉट अ करंट स्टेट बिकॉज़ वहां जो दूर दराज के सितारों से जो रोशनी पहुंचेगी यहां पर इज गोइंग टू टेक टाइम और हम जो देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं रोशनी बाकी सितारे तो ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं बट स्टिल यू कैन सी देम एक्चुअली क्योंकि उनकी रोशनी अब पहुंच रही है उनकी रोशनी जो है वो अब पहुंच रही है शायद होंगे भी नहीं इतने मतलब सर देख रहे हैं अजी को सितारो चांद हो दो 100 साल का पूरा सा खबर पहुंचो दान छ हो उनकी रोशनी को नजर नहीं उनकी रोशनी जने हिस्से पहुंचे थी जने ऐसा उनके दिसी था सको नहीं रोशनी मना आ नहीं पहुंच आज के वे जाए उनको सा के खबर आ जाए चंद्र आ सा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बाकी दूर दा छोटे छोटे जो 4 सेकंड हो फास्ट है वो चंद्र भी 4 सेकंड फास्ट है 4 सेकंड फास्ट है तो आप जब देख रहे होते हैं अपना फास्ट देख रहे हो फास्ट देख रहे होते हैं सर विलियम हर्शल यूज्ड टू कॉल नेम इज गोस्ट साइंटिफिक गोस्ट फिजिक्स फैसिनेटिंग काश के हमें जो है ना डंसर फिजिक्स पढ़ाई जाती सर सूरज भी फास्ट दिखते हैं सूरज भी फास्ट में दिखते हैं या वो टाइम में दिखते हैं वहां से यहां तक आते हुए कितना टाइम लेती है 28 सेकंड एक बीम जो मेरी आंख में पड़ रही है जिसकी मदद से मैं देख रहा हूं इसका मतलब यह है कि वो 8 सेकंड पहले निकल चुकी है जब मैं देख रहा हूं तो वो 8 सेकंड पहले की चीज को देख रहा हूं ना कि उस वक्त करंट की चीज हमारी आंखें कुछ स्पेशल नहीं है दे आर रोशनी की वजह से ही होती है रोशनी तो टाइम लेती है डिस्टेंस कवर करती है सर्विस एक हिकड़ी गाल आए मैं रियल लाइफ जे हर गाल के काउंटर करे तो या उन जे करे ही जनरेट थियो पर अनफॉर्चूनेटली असा उन के रियल लाइफ में जण वो मन असा के मजो ही न थो जे हन मिसाल ही फंक्शन से पढूंगा कि कदे भी मन असा ये न कियो का थे जो असा बुधाए वे हो जे या असा एडो को कम के हो जे जते ये फंक्शन मनाने खबर पे दवाई सही आए फंक्शन वाला असा हालांकि सजो मतलब डेटा जे कण जो सजो स्क्रिप्चर है मैं थी लिखियो मेन छ ईआई या तो बड़ा जरूरी आ छा एक छ है ता यो चाहता था ता चाहता था बाबा ए जे को गाड़ी है जो गाड़ी में पैल को नट बोल्ट आ इने केड़ी एप्लीकेशन किया की दी गाड़ी है और
मां यो चाहंदो नट कढी दिस गाडी वाला पो फार पदे ते गाडी हले इकर गाडी खान ठीक है तो ए नट बोल्ट्स दा इस्तेमाल कयो था फिजिक्स में केमिस्ट्री में यू थ्रो देम अवे यू गोना सी दैट बेंच वारी सर वो मजो नथो जे जेको मन हाणे असा जी पढौंदा नी यो अना उनी साल में असा मैथ की डिग्री करे और 4 साल फिजिक्स की डिग्री कयो बाद में छो डिग्री कयो बस जेका मैथ पढौंदा ना कोर्स में ठीक एप्लीकेशंस की पढौंदा जो या एप्लीकेशन या कोर्सेस पढौ या गल बढ़िया ठीक है ये फर्स्ट हो इसका भाई जवाब ढूंढना